Assalamu alaikum, dear students, hope you are all fine. Today we will take another topic on grammatical portion, that is arranging of jumbled sentences. It's an important topic and it has 3 marks. So be concentrated towards this topic, how to solve the questions on jumbled sentences. Jumbled sentences are those sentences in which words are not placed in an orderly manner. Or jumbled sentences are those sentences which are not meaningful, which do not have a meaning, because words are arranged here and there. Now, how to rearrange the jumbled sentences to form a meaningful sentence? We have to follow this pattern. Usually a meaningful sentences follows this pattern. कोई भी जो meaningful sentence होता है जिसमें words orderly arrange होते हैं वो ये pattern follow करता है. पहले sentence में subject होता है. सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब में आते हैं इज है, मी है, डू है, वाज है, एटसेट्रा. हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद आता है एक्शन वर्ब विच शोज एक्शन. और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. और उसके बाद आता है अदर वर्ड्स. तो जमलेट सेंटेंस को हम जब रीअरेंज करेंगे हम यही पैटर्न को फॉलो करेंगे. हम वर्ड्स को इसी सीक्वेंस में प्लेस करेंगे. पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर एक्शन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड्स को. सेकंड पॉइंट अबाउट जमलेट सेंटेंसेज, इन अ जमलेट सेंटेंस द वर्ड्स हैव टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग अबो पैटर्न, ये हमने देखा. नेक्स्ट पॉइंट इज देर इज नो स्पेसिफिक रूल टू अरेंज जमलेट सेंटेंस. कोई सेंटेंस, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जमलेट सेंटेंस को अरेंज करने के लिए. इट ओनली नीड्स अ कॉमन सेंस. सिर्फ एक कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है कि जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा उसी हिसाब से हमको वर्ड्स को पुट करना है. So let us take some examples on how to rearrange this jumbled sentence. First example is come, that, I, told, would, I, him. The words either other arranged hai. They are not arranged in a well-defined manner. Is sentence ka koi matlab nahi hai because words are jumbled. Ab humko is banana hai meaningful sentence. To kaise? Pehle hum dekhenge isme kaun sa subject hai. वो यहाँ तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन. यहाँ पर आई है, सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है तो इसके बाद मूव करेंगे एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब यहाँ पर क्या है, एक है टोल्ड, दूसरा है कम. तो हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे टोल्ड को. आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम. ये बन गया फुल मीनिंगफुल सेंटेंस. तो एक्चुअली ये दो सेंटेंस थे और उनको मिलाया हमने किससे, दैट से. तो आई टोल्ड हिम में सब्जेक्ट पहले आई है, टोल्ड है एक्शन वर्ब, और हिम है यहाँ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह मैंने हिम को लिया है एज अ प्रोनाउन. फिर दूसरा सेंटेंस है आई, ये सब्जेक्ट, फिर है वुड वर्ब, और कम क्या है यहाँ पर, एक्शन वर्ब. वुड यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, कम यहाँ पर है एक्शन वर्ब. तो इसी सीक्वेंस में मैंने लगाया तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम. मैंने उसको बोला कि मैं आ जाऊँगा. दूसरा सेंटेंस है कैरेक्टर, फनी, लोमो, ए इज, जमलेट वर्ड्स. इसको मैं कैसे बनाऊँगा सेंटेंस, ये ईजी है. इसमें हमको पता लोमो इज ए नाउन, तो ये हो गया सब्जेक्ट, इसको पहले मैं रखूँगा, ठीक है. इसके बाद इज है हेल्पिंग वर्ब, उसको मैंने लगाया, और फनी आएगा उसके बाद एक्शन वर्ब, तो लास्ट में कैरेक्टर. तो लोमो इज ए फनी कैरेक्टर. इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने इनको लगाया, पहले लोमो सब्जेक्ट लगाया,
फिर हेल्पिंग वर्ब इसको लगाया, फिर एक्शन वर्ब फनी को लगाया, फिर अदर वर्ड से करेक्टर, तो सेंटेंस बन गया हमारा लोमो इज़ अ फनी करेक्टर। थर्ड है प्रोसेस ट्री किलिंग ऑफ ए इज़ ए पेनफुल। तो इसका जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए पेनफुल प्रोसेस। तो यहाँ पर पहले किलिंग आया एक्शन वर्ब, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यही मैंने बोला देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरी टाइम ऑलवेज दिस रूल इज़ नॉट फॉलोड। तो वी हैव टू यूज़ द कॉमन सेंस। तो हम लगाएंगे किलिंग ऑफ ए ट्री, एक ट्री को काटना, एक दरख्त को काटना, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, सो किलिंग ऑफ ए ट्री। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद में ट्री यहाँ पर है सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, पेनफुल आएगा फिर वर्ब, तो फिर उसके पहले भी आता है एक वर्ब, तो ये बनेगा किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए पेनफुल प्रोसेस। फिर फोर्थ बुक्स एनी वन यू हैव दीज कैन ऑफ। अब यू इसमें सब्जेक्ट, ठीक, कैन इसमें क्या है वर्ब है, तो पहले लगाया मैंने सब्जेक्ट यू, फिर कैन लगाया मैंने वर्ब, तो मेरा सेंटेंस बनेगा यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज बुक्स। बुक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यू पर यहाँ पर है क्या है सब्जेक्ट, और यहाँ पर कैन क्या है इट इज़ ए हेल्पिंग वर्ब। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने इन सेंटेंस को, इन वर्ड्स को अरेंज किया, तो मेरा बन गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस यू कैन हैव एनी वन ऑफ दीज बुक्स, आप इसमें से जो चाहें बुक्स ले सकते हो। फिफ्थ है टंग कोचमैन द एन हेड ऑयली। अब इस सीक्वेंस पहले सब्जेक्ट यहाँ पर कोचमैन है, तो मैंने लगाया द कोचमैन, तो कोचमैन इसमें यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, फिर हेड इसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑयली इसमें एक्शन वर्ब, और टंग बन गया एक हिसाब का ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्शन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने वर्ड्स को पुट किया, तो ये मेरा बन गया द कोचमैन हैड एन ऑयली टंग, मीन्स द ऑयली टंग मीन्स स्मूथ टंग, द कोचमैन हैड एन ऑयली टंग। फिर सिक्स्थ वेरी इजी, यंग वाज डोलमा गर्ल ए। अब डोलमा यहाँ पर सब्जेक्ट, पहले इसको लगाऊंगा पहले नंबर पर सब्जेक्ट को, उसके बाद वाज यहाँ लगाऊंगा क्योंकि वाज हेल्पिंग वर्ब है और यंग है एक्शन वर्ब, और गर्ल यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट, तो मैंने लगाया डोलमा वाज अ यंग गर्ल, डोलमा वाज अ यंग, क्योंकि डोलमा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, वाज यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यंग यहाँ है एक्शन वर्ब, और गर्ल यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट। तो देखो आप डोलमा इसमें सब्जेक्ट, वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब, यंग इसमें एक्शन वर्ब, गर्ल इसमें ऑब्जेक्ट। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने ऊपर आपको दिया एक रूल, इसी सीक्वेंस में मैंने वर्ड्स को पुट किया, अरेंज किया, तो मेरा बन गया मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा ऑन द जम्बल्ड वर्ड्स, यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न, दैट इज़ फर्स्ट आप सब्जेक्ट को लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाओ, उसके बाद एक्शन वर्ब को लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाओ, उसके बाद अदर वर्ड्स को, तो आपको इजी हो जाएगा। एंड सेकंड यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, कि वर्ड्स को मैं ऐसे अरेंज करूं कि मेरा मतलब बन जाना चाहिए, मेरा मतलब बन जाना चाहिए, तो इट ऑल्सो नीड्स अ कॉमन सेंस, यू हैव टू पुट द वर्ड्स इन सच ए वे सो दैट इट विल बिकम अ मीनिंगफुल sentence. So this was all about rearranging of jumbled sentences. So hope dear students you must have understood this topic on rearrangement of jumbled sentence. Assalamu alaikum. Goodbye.